पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। भारतवर्ष के कुछ राज्यों में इस एकादशी को पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तभी इस एकादशी का आगमन होता है। इसी एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और फिर लगभग 4 मास के पश्चात जब भगवान सूर्य तुला राशि में प्रवेश करते हैं तब भगवान श्री हरि को निद्रा से जगाया जाता है और इस दिन को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है और 4 मास के इस अंतराल को चातुर्मास कहा जाता है। इस चातुर्मास में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य को नहीं किया जाता। धार्मिक दृष्टि से ये 4 मास भगवान विष्णु का निद्रा काल माना जाता है। इन चातुर्मास में तपस्वी भ्रमण नहीं करते बल्कि वे एक ही स्थान पर निवास कर अपनी तपस्या करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। इसी कारण देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन भगवान श्री हरि की सोना चांदी अथवा पीतल की मूर्ति बनवाकर उनकी यथाविधि पूजा करनी चाहिए तथा सफेद चादर से ढके हुए गद्दे और तकिए पर उन्हें शयन कराना चाहिए। आइए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की सुंदर कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, हे मधुसूदन, आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। हे धर्मराज, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? इस व्रत का महात्म्य आप मुझे सुनाने की कृपा करें। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने श्री नारद मुनि से कहा था वह कथा अब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय की बात है, श्री नारद मुनि ने भगवान श्री ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका क्या महात्म्य है? यह सुनकर ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, हे नारद जी, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए अति उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे अधिक उत्तम माना गया है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। अब मैं तुमसे इस व्रत की पुरानी कथा को कहता हूँ। हे नारद, तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय की बात है, सूर्य वंश में बांधांता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। यह राजा अत्यंत ही सत्यवादी और प्रतापी राजा थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन पोषण करते थे। उस राज्य में सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी रहती थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था और ना ही किसी प्रकार की कोई कमी होती थी। दुर्भाग्यवश एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं हुई और पूरे राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ और धर्म आदि कार्य भी बंद हो गए। तब दुखी होकर एक दिन समस्त प्रजा अपने राजा के पास गई और सभी प्रजा मिलकर कहने लगी, हे महाराज, हे महाराज, आप हमारी रक्षा करो, सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है। महाराज, वर्षा के अभाव से पूरे राज्य में अकाल पड़ गया है और इस भीषण अकाल के कारण हम सब बहुत दुखी हो गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। हे महाराज, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम सबका कष्ट दूर हो जाए। प्रजा की यह बात सुनकर राजा मानधाता ने कहा, हे प्रजाजन, आप सब ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने के कारण अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप सबके दुख को भली भांति समझ रहा हूँ। आप विश्वास कीजिए, मैं आप सबके दुख के निवारण का कोई उपाय अवश्य ही ढूंढूंगा। अपनी प्रजा से ऐसा कहकर
राजा उसी समय कुछ सेना साथ में लेकर विष्णु वन की तरफ चल पड़े। वन में वह राजा अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा से उनकी कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे राज्य में भीषण अकाल पड़ गया है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे राज्य में वर्षा हो सके, जिससे मेरे राज्य में खुशहाली आ सके। हे मुनिवर, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे मुनिवर, शास्त्रों में यह वर्णित है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट पहुंचता है, परंतु मैं तो सदा से ही धर्म और भक्ति के मार्ग पर चल रहा हूँ, तो फिर मेरे राज्य में यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक मालूम नहीं चल सका है। हे मुनिवर, मैं आपके पास इसी संदेह के निवारण के लिए आया हूँ, आप कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताएं। राजा की यह बात सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सभी युगों में सबसे अधिक उत्तम माना गया है। इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति हुई है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही वेद और धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार प्राप्त हुआ है। परंतु हे राजन, मैं यह भलीभांति देख सकता हूँ कि आपके राज्य में एक शूद्र धनघोर तपस्या कर रहा है और इसी दोष के कारण आपके राज्य में अकाल पड़ गया है। उस शूद्र के तपस्या करने के कारण ही आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है। हे राजन, यदि आप अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहते हो तो आप उस शूद्र का वध कर दीजिए। मुनि की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैं उस निरअपराध शूद्र का वध कैसे कर सकता हूँ, यह सब कठिन कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कृपा कर मुझे कोई और उपाय बताएं। तब राजा की यह बात सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों का शमन करने वाली और समस्त दोषों से निवारण करने वाली है। अतः हे राजन, तुम अपनी प्रजा सहित अपने मंत्रियों सहित इस एकादशी का विधिवत व्रत करो। आपके ऐसा करने से आपके राज्य में वर्षा होगी और आपकी प्रजा को सुख मिलेगा। मुनि की यह बात सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आ गया। नगर वापिस आकर राजा ने अपने मंत्रियों सहित अपनी प्रजा सहित देवशयनी एकादशी का विधिवत व्रत किया। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के कारण राजा के राज्य में वर्षा हुई। और उस भीषण अकाल की समाप्ति हुई। सभी प्रजा अत्यंत सुख पूर्वक रहने लगी। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस प्रकार देवशयनी एकादशी समस्त पापों का शमन करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री नारायण, बोलो जय श्री हरि। अंत में मैं ज्योति गोयनका आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरी इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।